हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड या जो दूसरे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनको बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल्स। अब ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट हैं, वो है एक तो हार्ट। वो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है विच पम्प एंड रिसीव द ब्लड। एक है ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्यूब्स भी कह सकते हो आप उनको, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कहने का मतलब कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कुछ मेन कंपोनेंट से मिलके बना है। वो है ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो थ्री टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक दूसरा सिस्टम भी है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, विच ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिक्विड सर्कुलेट होता है और मटीरियल्स को कैरी करता है, उसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो इन दो लिक्विड्स के थ्रू होते हैं, जो है ब्लड और लिम्फ। तो पहले हम ब्लड की बात करेंगे कि ब्लड क्या है और किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है। देखो, ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। मेनली ब्लड के अंदर फोर थिंग्स प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पसल्स या जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या RBCs, WBCs जिनको हम वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो मेन कंपोनेंट है ब्लड के, वो है प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट। अब ये क्या है? देखो, पहले प्लाज्मा जो है वो लिक्विड या फ्लूड पार्ट है ब्लड का। ये कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर मेनली वाटर और बहुत से सब्सटेंसेस डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर है। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं इनमें। अब प्लाज्मा जो है वो इन सब डिजॉल्व सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट के अंदर कैरी करने का काम करता है। और RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो इसी लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड होते हैं। तो ये तो बात हुई प्लाज्मा की। अब सेकंड कंपोनेंट जो है ब्लड का, वो है RBCs। क्या होती हैं? देखो, RBCs जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, नाम है उसका हीमोग्लोबिन। RBCs जो हैं वो ऑक्सीजन कैरियर्स भी कहलाती हैं। RBC ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग्स से बॉडी की हर एक सेल्स तक। एक्चुअली RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। अब देखो, ये जो RBCs होती हैं वो सर्क्यूलर होती है शेप में, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। RBC जो हैं वो बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी में बन तो जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक वो जीवित नहीं रहती, ये अलाइव कंडीशन में नहीं रहती। हर एक RBCs का जो लाइफ स्पैन है, वो है अबाउट 4 मंथ। इसका एक कारण क्या है कि RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। कहने का मतलब कि जो RBCs होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, मतलब 4 मंथ की ही होती है। ठीक है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अबाउट 3 मिलियंस ऑफ RBCs जो है ह्यूमन ब्लड में, वो डेली ख़त्म होती है, डेली डाई होती है, बट उसकी 4 गुना, उसकी 4 टाइम्स जो है वो बोन मैरो में एवरीडे बनती भी है।
तो जब भी कभी कोई ब्लड को डोनेट करता है किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए, तो जो हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस होता है वो क्विकली फुलफिल भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो बहुत तेज़ी से हमारे बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो ये था RBCs के बारे में, रेड ब्लड के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, मतलब कि ये सेल्स जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, लाल है, रेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है इसीलिए इनकी लाइफ स्पैन छोटी है, लेकिन फिर भी क्या होती हैं हमारी बॉडी में डेली RBCs बनती रहती हैं। सेकेंड है WBCs, क्या होता है, देखो WBC को हम वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। ये WBCs जो होती हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करती है और हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। अब ये जो WBCs होती हैं ये एक तरह के केमिकल्स बनाती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि WBCs जो हैं जो एंटीबॉडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है वही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से हम क्या होते हैं डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स या हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए WBCs को सोल्डियर्स ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये WBCs जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप की भी हो सकती हैं या इनका शेप इरेग्युलर भी हो सकता है, ठीक है। जितनी भी WBCs होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियस का शेप है वो हर एक WBC में अलग अलग है, इसीलिए WBC का शेप भी अलग अलग है। अब WBC जो होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर RBCs के कंपैरिजन में नंबर्स में कम होती हैं, लेकिन हमारे को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, WBC का है। अब थर्ड है प्लेटिलेट्स, मतलब प्लेटिलेट्स क्या होती हैं, देखो फोर्थ नंबर पर प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो स्पेशल सेल्स के टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। इन प्लेटिलेट्स के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन प्लेटिलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन में हेल्पफुल होती हैं। जब भी हमें कोई कट या वाउंड लगता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो प्लेटिलेट्स ही हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होती है, ठीक है। और ये जो ब्लड सेल्स हैं जितनी भी तरह की, ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं जो हमारे बोन मैरो में बनती हैं, जिन सेल्स से वो बनती हैं उनको हम स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये थे फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, क्या क्या थे, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटिलेट्स। अब ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ब्लड का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, देखो ब्लड जो है हमारी बॉडी में 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अब जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है तो अलग अलग तरह के सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उनके बेसिस पर उनके अलग अलग पॉइंट बन गए। नेक्स्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हम बता सकते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आयंस, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिजीज़, और थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुए उनको हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। थर्ड, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड from the intestine to all the parts of the body. Fourth, blood carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body where they are needed. Fifth, blood carries a waste product called urea from the liver to the kidneys for excretion in urine. Or sixth, blood protects the body from diseases. This is because WBCs kill the bacteria and other germs which cause diseases. सेवेंथ हम बता सकते हैं ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट अबाउट 37°C। ये सारे जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं, ब्लड के हैं। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड कंप्लीट, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने जो रेस्पिरेशन पढ़ा था उसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ नोट्स के लिए,
मैंने आपको न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन दिए थे, फिर इस सैटरडे को मैंने आपको न्यूट्रिशन प्लस रेस्पिरेशन पे कुछ क्वेश्चन दिए थे, और रेस्पिरेशन का एक क्विक रिव्यू कुछ पॉइंट के जरिए है, तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो इससे बना सकते हैं। जैसे पहला रेस्पिरेशन और उसकी डेफिनेशन, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन विथ इक्वेशन। फिर है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता था रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में पहला है टॉपिक, हाउ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट एनिमल्स। फिर आता है हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करता है, रूट अलग करती हैं, स्टेम अलग करती है और लीव्स अलग करती है, तो ये उस टॉपिक का नोट बन सकता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो क्या था एनिमल्स में, स्टेट द थ्री कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स। फिर सेकंड आप बता सकते हैं, नेम द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम दे दिया और पूछ लिया किस एनिमल में है, या एनिमल का नाम देकर उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ सकते हैं, तो आपको ये वहाँ से आप करें, मतलब ये टॉपिक आपको आना चाहिए। नेक्स्ट था, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर के फॉर्म में कर सकते हैं, तो नोट बन गया। फिर व्हाट एडवांटेज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल हैज ओवर एन एक्वेटिक एनिमल विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। फिर था टाइप ऑफ अरेंजमेंट, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट सॉरी एग्जिस्ट इन द बॉडीज ऑफ लार्ज एनिमल्स टू मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एडिक्वेटली। फिर सिक्स्थ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अमीबा, फिश एंड अर्थवॉर्म। ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं भी लिखें तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस पॉइंट में से ये नोट बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से लर्न करने के लिए। और लास्ट तो फिर आप जानते ही हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो वहाँ पर आपका आएगा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट जो हमने पढ़ा था, है ना। फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग भी पूछ सकते हैं आपसे क्या होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जिन पर आप नोट्स बनाएंगे, बाकी इनसे रिलेटेड कुछ इंटरनल क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम और दूंगी, ठीक है, करने के लिए। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हार्ट, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, कि भाई क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और हार्ट का जो मैकेनिज्म है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या है, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।